हाय गाइस, मैं आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ फिक्सेटिव के बारे में। ये आपको थोड़ा उल्टा दिख रहा होगा क्योंकि ये सेल्फी कैमरा ऑन है, तो इसको यूज़ कैसे करते हैं। वैसे मैं इसके जगह यूज़ करता हूँ हेयर स्प्रे, तो मैं आपको बताता हूँ कि मैं कौन सी हेयर स्प्रे यूज़ करता हूँ और किस तरह से मैं अपने स्केच को प्रोटेक्ट करता हूँ। तो चलिए देखते हैं। सो गाइस, ये है फिक्सेटिव स्प्रे। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास दो है और ये एरफिना की है। तो ये जो स्प्रे है ये स्पेशल पास्टल, चारकोल एंड पेंसिल के लिए है, बाकी अलग भी आती है पेंटिंग के लिए। सो गाइज, एक सीक्रेट की बात मैं आपको ये यहाँ पे बताना चाहूँगा कि ये बिल्कुल खाली है। तो गाइज, मैं यूज़ क्या करता हूँ इसकी जगह वो मैं आपको अभी बताता हूँ, क्योंकि ये जो फिक्सेटिव है वो महंगी पड़ती है अगर मैं कंपेयर करूँ हेयर स्प्रे से। तो यस गाइज, मैं हेयर स्प्रे यूज़ करता हूँ फिक्स करने के लिए। तो ये है मेरे पास स्विफ्ट की, सॉरी सिमको की स्विफ्ट हेयर स्प्रे। जैसे कि आप देख ही सकते हैं बोतल पे लिखा हुआ है। इसकी जगह और भी हेयर स्प्रेज आती हैं अलग अलग ब्रांड की, मैंने गैट्सबाय भी यूज़ किया है, बट जो बेस्ट चीज़ सिमको में है वो किसी में नहीं है, इसलिए मैं सिमको की हेयर स्प्रे ही यूज़ करता हूँ। इन दोनों में मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ कि इनमें डिफरेंस क्या है गाइज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिक्सेटिव की। तो गाइज, जो फिक्सेटिव की स्प्रे है ये 200 ml की है और इसका प्राइस आई थिंक 220 के करीब हमें मिलता है अमेजोन से। और अगर मैं बात करूँ सिमको की तो इसका जो प्राइस है ये 220, इसका भी 200 के करीब होता है और ये है 250 ml। आप देख सकते हैं 50 ml ये ज़्यादा है। सो गाइज, अगर हम बात करें कि कितने स्केच पर ये स्प्रे हो जाती है, तो अगर फिक्सेटिव की बात करें तो गाइज ये सिर्फ 5 से 7 स्केच ही स्प्रे कर पाती है अगर हमें A3 या A2 साइज़ का स्केच बनाना होता है। बट अगर हम बात करें सिमको हेयर स्प्रे की तो गाइज ये अबाउट 15 स्केच पर स्प्रे हो जाती है। तो आप देख सकते हैं डबल का डिफरेंस है, तो फिक्सेटिव बहुत ज़्यादा लगती है गाइज। सो गाइज़, अगर बात करूँ फिक्सेटिव की फ्रेगनेंस की तो गाइज ये इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है कि मैं क्या बताऊँ। जस्ट किडिंग गाइज, बहुत ज़्यादा बेकार सी स्मेल है इसकी, मास्क लगाना पड़ता है। और अगर मैं बात करूँ सिमको की, सो गाइज़ इसकी जो फ्रेगनेंस है ये सेम टू सेम परफ्यूम जैसी है, राइट। तो गाइज़ ये मैं सब आपको एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, आप भी एक बार ट्राई करके देखना। सो हम यहाँ पे एक स्केच पे इसको स्प्रे करके देखते हैं। आज सुबह मैंने इसको कंप्लीट किया है, तो हम इसको स्प्रे करते हैं पहले। और मैंने इसलिए छोड़ दिया था स्प्रे ताकि मैं ये वीडियो बना सकूं। तो चलिए हम इसको स्प्रे कर लेते हैं अच्छे से। आपको ध्यान देना कि जो स्प्रे है मतलब बोतल है वो पेपर से 25 to 30 cm आपको ऊपर रखनी है, क्योंकि ये लिक्विड है, अगर ज़्यादा गिर गया तो पेपर तो ज़्यादा गीला हो जाएगा और फट सकता है। सो यहाँ पर हमने इसको अच्छे से कर दिया स्प्रे। तो गाइज़ ये थोड़ा सा डार्क हो जाता है ये स्प्रे करने के बाद। तो जब हम इसको स्प्रे कर लेते हैं तो आप पीछे देख सकते हैं थोड़ा सा गीला हो गया। तो कभी कभी पेपर को क्या है वो टेढ़ा मेढ़ा सा हो जाता है, तो इसको अच्छे से पहले घुमा लेना पेपर को, जिस तरह से मैं यहाँ पे इसको कर रहा हूँ। और गाइज़ 2 से 5 मिनट लगते हैं इसको अच्छे से सूखने में। तो गाइस, अभी आपने देखा कि हमने कैसे सिमको स्प्रे का यूज़ किया स्केच को फिक्स करने के लिए, आप भी एक बार ट्राई ज़रूर करके देखना। तो गाइस, ये इन्फॉर्मेशन आपको पता है या नहीं पता वो मुझे नहीं पता, अगर पता है तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं पता तो शायद आपको अच्छी लगी हो। तो गाइस, अच्छी लगी हो तो उस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, अगर ना अच्छी लगी हो तो भी लाइक कर देना। और गाइस, मुझे वीडियो ज़रूर सजेस्ट कर देना कि मैं आगे कौन सी वीडियो लेकर आऊँ। गाइस, जो इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।